बिल्कुल जी, पंजाब सरकार कुंभकर्णी नींद तो असी यह भी नहीं कह सकते कि हुण कुंभकर्णी नींद सुती हुई है, क्योंकि जदों असी जलंधर दे विच जां पंजाब भर दे विच हड़ताल 6 तरीक तो लगातार जारी रखी हुई है। हड़ताल दे चलदे हुए असी MLA साहिबान ते MP साहिबान नूं मंग पत्र दे के आए सीगे, जिदे विच सानूं MLA साहिबान ते मैंबर पार्लीमेंट जलंधर जी वल्लों इह भरोसा दवाया गया कि असी तुहाडी गल अज ही मानयोग मुख्यमंत्री साहब नाल करांगे। पर यह भी हो सकता है कि मानयोग मुख्यमंत्री अपने चुने हुए MLA ते अपने चुने हुए मैंबर पार्लीमेंट की भी गल नहीं सुनते, तो साढ़े को हड़ताल के वाधा करन तो इलावा कोई हल नहीं, क्योंकि जिस सूबे के मुख्यमंत्री साहब अपने चुने हुए MLA अपने चुने हुए MPs जे उन्हां दी गल नहीं सुनते तो फिर मुलाजम होर की करनगे। बिल्कुल जी, जगाण दा ते फिर साडा यही तरीका है, क्योंकि 22 तरीक नूं जिथे दा हजे तक सिर्फ पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन दे झंडे थले हड़ताल चल रही है, वख-वख जथेबंदियां ने सानू अपना जिहड़ा समर्थन है उह दित्ता होया। 22 तरीक नूं पंजाब विचलियां 100 तों वध जथेबंदियां वख-वख काडरां दीआं इकट्ठियां हो के असीं इक मीटिंग करन जा रहे हां, जिहदे नाल आने वाले समें दे विच पंजाब भर दे विच जिहड़ा चक्का जाम है उह कीता जाएगा। नहीं, जदों पहला भी साडे वालों हड़ताल नूं वापस लिया गया, जेकर साडियां नहीं भी मंगा मनिया गईयां तां असीं सिर्फ जनता की परेशानी नूं मुख रख के संघर्ष नूं वापस लिया, पर इस बार असीं जनता नूं भी अपील करदे हां कि अपने चुने हुए नुमाइंदे भाव के MLA साहबान ते MP साहबान के घर के बाहर जाके उन्होंने पुछो कि अज सरकारी मुलाजम दफ्तर के हड़ताल के उत्ते क्यों ने, जां कल तो जिहड़ी साडी तालाबंदी दफ्तर की हो रही है कि सरकारी मुलाजम 3 दिन की छुट्टी लैके सरकारी दफ्तर ताले क्यों लग रहे हैं। ये जनता का सवाल भी करना बनता है उन्हां चुने हुए नुमाइंदियां नूं जिन्हां नूं असीं चुन के विधानसभा ते लोक सभा दे विच भेजे है, क्योंकि साडियां मंगां जायज़ ने। जे नजायज़ गल हुंदी तां सरकार ने साडे उत्ते कारवाई वाले पासे नूं चलना सी। असीं तां सरकार नूं इह बेनती करदे हां कि नवीं पेंशन अधीन भर्ती होया मुलाजम वो 900 रुपया पेंशन क्यों लवे, जेकर एक मुलाज एक MLA 2.25 लाख रुपया महीना पेंशन लै सकता है तो मुलाजम 900 रुपया पेंशन क्यों, जेकर एक MLA 15,000 रुपये मोबाइल भत्ता लै रहे हैं तो एक दर्जा 3 मुलाजम कलर्क उन्हूं 150 रुपया मोबाइल भत्ता क्यों। सानू वित्त मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब ये तो दसन कि मुला जे MLA ज MP साहबान ने उन्होंने उत्ते जिहड़ा अर्थ की गल असी करते हैं कि साडा अर्थचारा डिगदा जा रहा है, पंजाब विकास दीआं लीहां तो थले डिग गया तो उन्हूं चलाना कन्ने आ, लोग तां चुने जाते हैं MLA विधानसभा लोक सभा तां चलती है क्योंकि इन्होंने साडे हितां की राखी करनी है, पॉलिसियां मंत्री साहबान ने बनानियां लागू असी करवानियां दफ्तर के विच, ये इन्हां ने देखना है कि इन्हां दीआं पॉलिसियां माड़ियां क्यों। कल असी मीडिया के राही जो बयान से जारी कर दिता गया, मानयोग डिप्टी कमिश्नर जलंधर जी वालों उस चीज़ के इनवॉल्वमेंट करके ऑर्डर से मानता नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी कर्मचारी जोड़ा सस्पेंड या कुछ भी करने का अधिकार वो मानयोग डिप्टी कमिश्नर जी के कोल हुंदा है, तो मानयोग डिप्टी कमिश्नर जी ने SDM नकोदर जी के जिहड़े ऑर्डर किए हुए थे उन्होंने नहीं मनिया, जिस करके वो मसला उत्थे खत्म हो गया, जिदा असीं कल मानयोग डिप्टी कमिश्नर जलंधर जी का धन्यवाद भी किया। सरकार नूं जगाउण लई असीं हुण जिस हद तक जाया जाऊगा असीं जाण नूं तैयार हाँ। उस समां हुंदा सीगा जदों असीं सरकार नूं अपनी मंगां प्रति नोटिस दे के सुहिरद करदे सी, तां सरकार कोल साडियां मंगां प्रति नोटिस जाण तों बाद विच सरकार 2-4 दिन दे विच ही साडे जथेबंदी दे आगूआं नूं मीटिंग लई बुला लैंदी सी, तां जदों तक असीं सरकार नूं हड़ताल ते जाण दा अल्टीमेटम दिंदे सी 10 जां 15 दिन दा, उस समय के दौरान साडियां मंगां नूं मन के ते कर्मचारी वापस काम ते शुरू हो जांदे सी, भाव कि उन्हां नूं हड़ताल करनी नहीं पैंदी सीगी। पर अज जे सरकार नूं 15 दिन पहलां भी नोटिस देण दे बावजूद सरकार वल्लों जथेबंदियां नूं मीटिंग लई नहीं बुलाया गया तां मंगां नूं मनणा ते बड़ी दूर दी गल आ, सो सरकार दे नक विच दम कर देंगे, सरकार नूं इत्थों तक नौबत लिया देंगे कि सरकार नूं साडे आगूआं कोल आप चल के आना पऊगा। जनता की परेशानी नूं देखदे होए असीं जनता नूं भी अपील करते हाँ कि जनता नूं किसी तरह की हड़ताल खुलण तों बाद जिहड़ा काम पेंडिंग है वह उन्हां दा बहुत जल्दी निपटाया जाए जाएगा, तो हड़ताल के दिनों में जे किसी जनता के बछिंदे नूं कोई मुश्किल आई है तो उसके लिए असीं जनता नूं भी कहने कि वह भी अज साडे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब नूं सवाल करन कि यह कर्मचारी क्यों हड़तालों पर बैठे ने, कर्मचारी दी भांदियां मंगां क्यों नहीं मनिया जा रही। सो अज जनता का भी यह फर्ज बनता कि वह सरकार नूं सवाल करे कि तुसीं कर्मचारियों दी मंगां क्यों नहीं मंग रहे।
देखो हुण 19 तों लै के 21 तक साडी जिहड़ी आ उह समूहिक छुट्टी है, शनि एतवार की छुट्टी है। 23 तरीक तक बिल्कुल जिहड़ा उह हड़ताल दे रूप च असीं अपने घरां च बैठे ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਬਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। जिस तरह कि तुसी सारे जानते ही हो वख वख सरकार दे वख वख विभागों द्वारा मिल के बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी की कई दिनों तो हड़ताल जारी है, वो हड़ताल अज भी जारी है। अज असी डिविजनल कमिश्नर ऑफ दफ्तर के बाहर इकट्ठे होए हाँ। उन्होंने अज समूहिक छुट्टी का ऐलान किया है जो कि इन्हां दी छुट्टी 2 या 3 दिन तक चलती रहेगी। उस दे दौरान ये हुण धरनाबाजी इन्हां दी जारी है। इन्हां दा जिहड़ा संघर्ष है वह दिन प्रतिदिन तेज़ हो रहा है। जिस तरह जंगल दे विच अग फैलती है उस तरह इन्हां दा जो संघर्ष है वह दिन प्रतिदिन वधदा ही जा रहा है। ये तुसी सारे देख रहे हो किस तरह ये सारे विभागों के जो मुलाजम हैं मिल के नारेबाजी कर रहे हैं। जी सुरजीत सिंह जी, हुण तुसी सानूं दसना तुहाडी हड़ताल दा अज किन्नवा दिन शुरू हो गया है? लगातार 6 अगस्त तो जिहड़ी साडी हड़ताल है वह सारे पंजाब भर के जिन्ने भी सरकारी दफ्तर ने उन्हां दे विच चल रही है। पर सरकार वालों कोई भी सद्दा जां मुलाजमां दी जिहड़ियां मंगां बारे कोई गलबात उह ना करन करके असी पंजाब भर के सारे MLA साहिबान MP साहिबान नूं मंग पत्र दित्ते, पर हजे तक भी जिहड़ी साडी गल है उह सरकार वालों नहीं सुनी जा रही। तुसीं सर जिहड़े मंग पत्र जिन्हां नूं देख के सौंप के आए हो की उन्होंने तुहानूं कोई आश्वासन दिता सी? बिल्कुल जी, मैंबर पार्लीमेंट श्री संतोख सिंह चौधरी जी, MLA सुशील रिंकू जी, उन्हां दे नाल वडाला साहब MLA बेरी जी, उन्हां सारिआं वल्लों सानूं भरोसा सीगा कि असीं जिहड़ी तुहाडी मंग है मानयोग मुख्यमंत्री साहब दे कोल जल्द पहुँचावांगे। पर की उहनां ने पहुँचाई जां नहीं पहुँचाई इह तां उहनां नूं पता है, पर बड़ी हैरानी दी गल है कि सारे पंजाब भर दे विच जिहड़ी हड़ताल है उह चल रही होवे ते साडी मंग लई हजे तक सरकार विचार ना करे। एक सर प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है, मैं वो तुहानू पुछन जा रही हाँ कि जिस तरह एक पासे तो सरकार नू COVID-19 ने घेरिया होया है, दूजे पासों उन्होंने सारे मुलाजम हड़ताल ते हन, की तुहानू लगता है कि यह उचित समा सी? बिल्कुल मैडम, मैं तो सिर्फ एक गल तुहाडे माध्यम के राही सरकार दे नाल करदा जां तुहाडे सवाल का जवाब देते हुए दसना चाहना कि सरकार दे कोल इन्ना समा भी है नहीं मानयोग मुख्यमंत्री साहब दे कोल कि पंजाब दा 2.5 लाख मुलाजम हड़ताल ते होवे ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब साडे नाल मीटिंग करन तो भजदे होण। जिस तरह सर साडी तुहाडे नाल पहले भी असी रूबरू होए सी, तुसी दस्या सी कि 45 जो विभाग हन सरकार दे ओह तुहाडे नाल इस टाइम बैकबोन की तरह खड़े हैं, कि जिस तरह हुण 45 विभाग दे जो मुलाजम हन गौरमेंट दे जो अपने कम काज हन जिस तो गौरमेंट नूं भी इनकम हुंदी सी, अज ओह भी विभाग बंद पए हन, कम उहनां दा ठप्प पिया है, तो ये सरकार ते भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस जो इन्हां नूं इनकम सरकार नूं हुंदी सी अज ओह वी बंद पई होई है, उस दे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो जी, अहीं तां सरकार नूं लगातार अपील कर रहे हैं, हर एक साडे प्रैस नोट दे विच हर जगह दे उत्ते जिथे रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार सानूं गलबात दे लई बुलावे। साडा तां सिर्फ इक्को इक सवाल है कि एक नवीं पेंशन स्कीम अधीन भर्ती होया मुलाजम 900 रुपया पेंशन लैंदा है तां एक MLA रिटायर होण तों बाद 5 साल की सेवा मुक्ति तों बाद वो MLA 2.5 लाख रुपया पेंशन क्यों लै रहा है? पर सर
ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇੰਨਾ ਬੇਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਅਰਬਾਪਤੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੈਂਡੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।